उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। चमोली जिले के चमोली कस्बे में नमामि गंगे परियोजना के परिसर में करंट से चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। घटना में एक की मौत मंगलवार को ही हो गई थी। घायलों में से 6 को प्राथमिक उपचार के बाद एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री की ओर से तत्काल घायलों को 1-1 लाख रुपये और मृतक को 5-5 लाख रुपये की राहत राशि देने के निर्देश भी दिए गए हैं। घायलों का हालचाल जानने जिला पंचायत पहुँचे चमोली जिले के प्रभारी डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस घटना से जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही घटना का मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी जिलाधिकारी चमोली से दे दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात में यहां रहने वाले केयरटेकर का सुबह फोन नहीं लग रहा था, जिसके बाद परिवारों ने साइट पर जाकर खोजबीन की, तब सामने आया कि केयरटेकर की करंट लगने से मौत हुई है। सूचना मिलते ही परिजनों के साथ कई ग्रामीण भी साइट पर पहुँच गए। जब यहां पहुंचे तो पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान यहां दोबारा से करंट फैल गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। इस हादसे से मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी ने शोक प्रकट करते हुए कहा है कि चमोली में करंट लगने से कई लोगों को हताहत होने की अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को उपचार हेतु नज़दीकी अस्पताल भेज दिया गया है। गंभीर रूप से घायलों को हेल्थ सेंटर रेफर करने की व्यवस्था भी की गई है। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी ली जा रही है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों की सिद्धत। जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है उसमें उपनिरीक्षक प्रदीप रावत चौकी पीपलकोटी, होमगार्ड मुग्धेराम, होमगार्ड गोपाल, होमगार्ड सोबतलाल, सुमित पुत्र स्वर्गीय श्री असवाल निवासी ग्राम रंगतोलू चमोली, सुरेंद्र सिंह पुत्र लाल निवासी हरमोली चमोली, सुरेंद्र पुत्र विजय लाल निवासी हरबोली, देवीलाल पुत्र असीम दास निवासी हरमनी, योगेश पुत्र महिपाल सिंह निवासी हरमनी 9, सुरेंद्र सिंह रावत पुत्र स्वर्गीय गोपाल सिंह हरमनी, विपिन पुत्र सोबत निवासी पटौली, मनोज कुमार निवासी हरमनी, सुखदेव पुत्र एमल दास, प्रमोद कुमार पुत्र सुदामा लाल, दीपू कुमार पुत्र महेंद्र लाल, महिपाल पुत्र दुर्लभ सिंह कामना करते हैं। देखिए रिपोर्ट। गोपेश्वर में अभी हम लोग हैं और ये देखिए चमोली पुल के यहाँ पर लगातार किस तरह से यहाँ पर करंट से यहाँ पर करंट लगने से कई व्यक्ति यहाँ पर घायल हो चुके हैं और उनके उपचार के लिए 108 बुलाए जा रहे हैं लगातार। ये किस तरह से देखिए आपको गाड़ी निकालो।
ये पार्टी की तरह बता दो गोपेश्वर में। अभी हम लोग हैं और ये देखिए चमोली पुल के यहाँ पर लगातार किस तरह से यहाँ पर करंट से यहाँ पर करंट लगने से कई व्यक्ति यहाँ पर घायल हो चुके हैं और उनके उपचार के लिए 108 बुलाया जा रहा है लगातार। ये किस तरह से ये देखिए आपको बढ़ाओ बढ़ाओ इसमें बढ़ाओ 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 क्या हुआ इसमें।